एमजी मोटर्स भारतीय बाजार में अब कोई परिचय की जरूरत नहीं। एक्टा की सक्सेसफुल एंट्री, फास्टैग की बेहतरीन एडास फीचर्स, साथ ही आपको जब ग्लॉस्टर जैसी शानदार कार दी। लेकिन अब और भी कई चीजें आ रही हैं, जैसे कि अपडेटेड हेक्टर आई है। लेकिन इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं खुद एमजी मोटर्स के एमडी राजीव छाबा से। राजीव जी, वेलकम टू आपका गुरु। थैंक यू अमित सर, थैंक यू। हमारी ये दूसरी मीटिंग है एज ए फॉर्मल। हाँ, राइट राइट। वैसे तो हम बात कर लेते, लेकिन पहली बार आप बड़े लकी रहे थे हमारे लिए जो हमने कोयम्बटूर में हेक्टर चलाई थी आज से चार साल पहले। तो बड़ा अच्छा रहा था इंटरेक्शन हमारा। चलो, इसी बारे में अगर मैं लकी हूँ तो क्या बात है। और आज नए प्रोडक्ट के साथ आप एंटर हो रहे हैं। अभी आपने अपनी हेक्टर में डुअल वर्जन दे दिया, मतलब एक रेगुलर हेक्टर और एक नेक्स्ट जेन हेक्टर जिसे आप कह रहे हैं। इसके पीछे मेन रीजन क्या रहे कि आप डुअल लेके आए? तो एक्चुअली हेक्टर का जो रिस्पॉन्स था और हमने जो उसका फीडबैक देखा वो बहुत ही अच्छा रहा था। और एक आइडिया ये था कि रिफ्रेश करते रहेंगे प्रोडक्ट को फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो करना पड़ता है। थोड़ा सा हमने स्पीड शायद ज़्यादा दिखाई, हमने ढाई साल के अंदर उसको रिफ्रेश कर दिया है। और उसमें जो हमने चेंजेस किए हैं वो तो आपने देखे ही हैं। एक्सटर्नल एक्सटीरियर चेंजेस हैं, इंटीरियर चेंजेस हैं, अंदर बड़ी स्क्रीन हो गई है, एक क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव कर दी है, एडास फीचर्स के साथ वाले भी लेके वेरियंट आ गए हैं। तो है, और जो हमने जो पुरानी हेक्टर और नई हेक्टर के हमने कंबाइन किए हैं कुछ ट्रिम लेवल, तो एक्चुअली ये कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि दोनों गाड़ियां साथ में हैं। बट कुछ ट्रिम लेवल हैं जिसमें पुरानी गाड़ी के भी फीचर्स हैं, नई के भी हैं और कुछ पूरी नई के हैं। तो इस तरह से हमने ट्रिम लेवल को या वेरियंट्स को सेटअप किया हुआ है। तो आइडिया यही है कि जिसको बहुत ही वैल्यू फॉर मनी चाहिए, कुछ फीचर्स चाहिए नई गाड़ी के, नई हेक्टर के, तो वो भी मिल सकते हैं। जिसको पूरी नई गाड़ी चाहिए वो भी मिल सकते हैं। आपने आप कल इसी स्टेज पर शोकेस की है EHS, और वह इंडिया में शायद शोकेस की गई पहली प्लगइन थी प्रॉपर ढंग से। हाँ जी, क्या हम उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में? तो हमने कल 3 प्लगइन हाइब्रिड्स को शोकेस किया हुआ अपने स्टॉल पे। स्टेज पे एक गाड़ी थी प्लगइन हाइब्रिड, एज यू नो कि एक स्ट्रॉन्ग जो हाइब्रिड होती है उसके ऊपर फिर प्लगइन हाइब्रिड हो गई, उसके बाद फिर ईवी बोलते हैं, और उसके ऊपर अब आजकल हाइड्रोजन की बात चल रही है जो ये। सो द होल आइडिया इज टू शोकेस आवर टेक्नोलॉजी कि अगर जैसे भी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर उस तरफ उस टेक्नोलॉजी की तरफ जाती है तो उस गाड़ी को हम लाने में सक्षम है, यू नो। सो आइडिया इज क्योंकि अभी जैसे GST का स्ट्रक्चर है वो ईवी पे कम है, बाकी आइस इंजन पे ज्यादा है, और हाइब्रिड को भी कंसीडर आइस इंजन की तरह से कर रहे हैं, तो उसको लाने में प्राइस काफी हाई हो जाता है। और अगर आपके पास ईवी है तो शायद आप उसको हाइब्रिड को नहीं करेंगे। तो एक्चुअली ये सारी टेक्नोलॉजीज इतनी कॉस्टली हैं और उसको लाना भी, लॉन्च करना भी इतना कॉस्टली होता है, वी हैव टू चूज। तो अभी हमने एज ए स्ट्रेटजी चूज किया हुआ है हम ईवी पे ही फोकस करेंगे, इसीलिए एक गाड़ी ईवी और ला रहे हैं इस साल, तीसरी गाड़ी ईवी हम अगले साल लाएंगे। बट हाइब्रिड की पॉसिबिलिटी है, जहां पर भी अगर हमको गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी में चेंज मिला या फिर हाइब्रिड बीच में हमें लगा कि कॉस्ट कम हो रही है तो उसको हम लाने के लिए हम ला सकते हैं उस गाड़ी को। तो अभी हमारा एज सच हाइब्रिड लाने का प्लान नहीं है, बट वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग एंड फॉलोइंग द डायरेक्शन। आपने आज वर्ल्ड में शायद पहली MPV है ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड है, इसको शोकेस किया है। टेक्नोलॉजिकली आप स्ट्रांग हैं और ऑलरेडी कई जगह आप शो कर चुके हैं। इंडिया में कई चीज़ें आपने पहली बार ऑफिशियली लॉन्च की है, चाहे वो इंटरनेट का वही हो या एडास फीचर्स हैं या आपके दोनों कंबाइंड भी आए हो, तो इन सब चीज़ों के बाद क्या आप पहले हो सकते हैं, ऐसे आपको आइडिया लगता है? पॉसिबल है, लेकिन अभी चैलेंजेस बहुत हैं इस हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में। सी अगेन आई वुड से कि हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंटेंशन क्लियर कर दी है कि इंडिया हैज़ टू मूव अहेड एंड प्रोबेबली वन ऑफ द लीडर्स इन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। तो ग्रीन हाइड्रोजन में काफ़ी काम चल रहा है गवर्नमेंट का, काफ़ी प्रोड्यूसर्स भी सामने आ रहे हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट ने अपनी हाइड्रोजन पॉलिसी भी अभी सपोर्ट के लिए 20,000 crore अभी डिक्लेयर की है। तो अगर आप देखें उस ग्रीन हाइड्रोजन के एप्लीकेशंस ऑटोमोटिव सेक्टर में भी काफ़ी आ सकते हैं, ट्रक्स में हैं, फोकलिफ्ट्स में हैं, पैसेंजर व्हीकल्स में हैं, तो सारे एप्लीकेशंस पॉसिबल हैं।
तो अगेन हमारा इंटेंशन इस ऑटो शो में ये था बताने के लिए कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्शन रेडी व्हीकल्स हैं, अभी हमारा चैलेंज सिर्फ ये है कि कॉस्ट इनकी काफी ज्यादा है, अभी कमर्शलाइज नहीं हो पाया है, पर अगले 3-4-5 साल में पॉसिबल हो जाएगा। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट पुश डायरेक्शन एंड इंटेंशन वी वुड बी रेडी। तो एंड यू आर राइट कि दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट एमपीवी फ्यूल सेल इन द वर्ल्ड, और हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये इसमें जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है वो ये थर्ड जनरेशन की टेक्नोलॉजी है एंड फोर्थ जनरेशन हमारा अगले साल लॉन्च होने वाला है। तो इसमें आई वुड लाइक टू बिलीव जो जो पावर है, जो डेंसिटी है, जो जो इसके माइलेज है उसमें जो हाइड्रोजन पे चलने की, इट विल बी इफ नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड इट विल बी क्लोजर टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एक चीज और मैंने नोटिस किया है कि आपका पूरा थीम जो ऑटो एक्सपो का है वो कंप्लीट ग्रीन है, मैं जहां भी नजर डालता हूं वो ग्रीन है। ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि आप ग्रीन थीम के साथ चल रहे हैं तो यही आइडिया क्योंकि हम इसे ऑटो एक्सपो पे भी रखेंगे। पिछले साल आपका एक अलग आइडिया था लंदन स्ट्रीट का जो बहुत लोगों ने पसंद किया और खासतौर से इंस्टाग्राम पे उसके फोटोग्राफ आज भी स्क्रॉल होके ऊपर आते हैं। तो एक्चुअली यू नो आई वुड से हैट्स ऑफ टू माय टीम। यू नो एक तो होता है कि आपने मान लीजिए 100 रुपए स्पेंड करने हैं तो कैसे करने हैं, तो वो सबके 100 रुपए मान लीजिए आप भी स्पेंड कर रहे हैं। हमारे केस में टीम जो इतनी चार्जअप थी कि हम इसको एक प्लेन टिपिकल ऑटो शो की फीलिंग नहीं देना चाहते थे, तो टीम ने आपस में काफ़ी बात करी और उसके बाद बोला कि अगर हम ग्रीन बोलते हैं लेट्स मीन इट, यू नो। तो इसीलिए अगर आप आई एम श्योर आप दिखाएंगे कि कैसे लोगों ने ग्रीन के एलिमेंट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ एक दो पेड़ लगा दिए हों या तो पूरा उसको इंटीग्रेट किया हुआ है, तो काफी थॉट गई है टीम की इसमें। एंड बाय द वे कॉस्ट ज्यादा नहीं हुई है कोई, कॉस्ट वो का 100 का 100 रुपए ही रहा है, लेकिन एक क्रिएटिविटी लोगों ने दिखाई है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ द टीम की जो एक पैशन के साथ काम करती है उसका रिजल्ट कुछ और आता है। बिल्कुल, और इस ग्रीन थीम से शायद आप हिंट दे रहे हैं कि आप एक अगली ग्रीन कार छोटी ईवी लेके आ रहे हैं कुछ थोड़ा सा का। ये अमित साहब, ये अमित साहब आपका अच्छा इंटरप्रिटेशन है, बट यू आर राइट, यू आर राइट। तो हम एक छोटी ईवी लेके आने वाले हैं अगले कुछ महीनों में, और उसका हम कैंपेन अगले कुछ वीक्स में स्टार्ट कर देंगे। वो छोटी गाड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी होगी हमारे इंडिया के लिए। हम बात करते आए हैं कि हमें थोड़ी सी चीपर ईवी चाहिए लेकिन ग्लोबल क्वालिटी की हो और ग्लोबल लेवल की हो। तो एक ये अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशन मैं बोल लूंगा उस गाड़ी को, इट बी अ वेरी यूनिक सॉल्यूशन फॉर यंगस्टर्स एज वेल एज इवन सीनियर पीपल। यू नो पार्किंग स्पेस कम होगी उसकी, रेंज बहुत ही प्रैक्टिकल होगी, अफोर्डेबल होगी, हमने बोला हुआ है 10-15 लाख की प्राइस के बीच में होगा। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन और आई एम श्योर हम जल्दी ही मिलेंगे उस गाड़ी के बारे में बात करने। चलिए, हम उम्मीद रखते हैं कि जब हम उस गाड़ी से चलेंगे तो हम कुछ एनवायरनमेंट को भी बेहतर रख सकेंगे और आपकी थीम और आपकी थ्योरी के साथ मैच करेगी वो कार, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। उम्मीद रखते हैं कि एमजी के साथ हमें बेहतरीन प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में मिलते रहे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ राजीव चबा, एमडी एमजी मोटर्स। इन्होंने अपने विजन के बारे में बात की और हमें बताने की कोशिश की है कि क्या तैयारियां हैं एमजी मोटर्स की इंडियन मार्केट के लिए। आपकी कोई क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं एमजी की टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। देखते रहिए आस्क कार गुरु।